आसमान और नदी या पानी ऐसे मिल गए हैं जैसे मानो बीच में कुछ है ही नहीं, फासला ही नहीं। ये है यहाँ की खास बात। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, यानी घर से बाहर निकलने का, चिल करने का। तो आज चिल करने के लिए हम जाएंगे राइट टाइम। राइट टाइम संबलपुर का खूबसूरत प्लेस है, वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को थोड़े एंटरटेनिंग अंदाज से। सो लेट्स ओके, तो राइट डाइक जाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि एक व्हीकल। अभी यार साइकिल नहीं, व्हीकल। ओ हाँ, स्पॉटी नहीं है लेकिन एवरेज के मामले में बेस्ट है ये। अब दूसरी चीज़ हेलमेट, जो आपको रास्ते में आने वाले खतरों से बचाने में काम आएगा। ग्लासेस हो तो रख लेना, क्योंकि स्वैग ज़रूरी है। एंड फाइनली दोस्त, दोस्तों के बिना वहां जाके चील कैसे मारोगे यार। ओके, तो दोस्तों हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, और हम लोग हैं अभी धनकौड़ा सन सिटी के पास। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अभी NH टच करने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों ये है अपना नेशनल हाईवे। यहाँ से आप राइट साइड की तरफ जाओगे तो आपको सिंदूर पंख चौक मिलेगा, लेकिन हम लोग जाएंगे लेफ़्ट साइड क्योंकि हमको एटापाली चौक जाना है। यहाँ से सीधे सीधे आप जाओगे तो एटापाली चौक मिल जाएगा। वहाँ से ये नेशनल हाईवे 4-वे में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए, सफ़र लंबा है तो रास्ते में फ्यूल पंप दिखे तो अपनी गाड़ी में किरोसिन ज़रूर डलवा लेना। गाइस भाई आपको ना पागल बना रहे, ये किरोसिन तेल से नहीं पेट्रोल से चलता है। ऑल राइट गाइस, ये है संबलपुर का एटापाली चौक, और ये काफ़ी फेमस चौक है। अब फेमस क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब 2-वे में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ का NH, और हर जगह के लिए आपको रूट मिल जाता है यहीं से। और ये दूसरी तरफ जो है ये है कैंसिर रोड, जो कि अपना डेस्टिनेशन वाला रास्ता है। हमें यहीं जाना है इसी जगह पे। और ये है ठपाली चौक, यहाँ से राइट कैंसिर चौक। लेट्स गो। कैंसिर रोड, बहुत दिनों से मैं यहाँ नहीं आया लेकिन इसकी खूबसूरती मुझे आज भी याद है। वो आसमान को छूते हुए पहाड़, वो चढ़ानों से भरे रास्ते, रास्तों में टेढ़े मेढ़े मोड़, और खेत खलियान से भरे हुए गांव। खूबसूरत आसमान, और इस आसमान में हम। तो इस वक्त हम लोग अपनी मंजिल पे आ चुके हैं, और यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, हम लोग पीछे से आए थे, ये वाले रोड से आए थे, और अभी देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता राइट की साइड गया है, एक रास्ता लेफ़्ट की साइड गया है। तो दोनों जगह से ही डाइक का नज़ारा है, इधर से भी नज़ारा है और इस तरफ से भी नज़ारा है। तो दोनों ही अपने अपने आप में एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह है। तो इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, और अभी हम लोग राइट साइड पे चलते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद, मतलब जब से ये कोरोना का टाइम चल रहा था, पीरियड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आज इस जगह पे मैं आया हूँ। मतलब यहाँ आने के बाद यार, मतलब क्या ही बोलूँ, खुद ही देखो यार, खुद ही देखो, इतना शानदार नज़ारा। आसमान और नदी या पानी ऐसे मिल गए हैं जैसे मानो बीच में कुछ है ही नहीं, फासला ही नहीं। ये है यहाँ की खास बात।
तो अभी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरे साथ जो आया है मेरा भाई, मेरा सोना, मेरा लड्डू, वो है अजमाल हुसैन। इट्स मी गाइस, एमएच व्लॉग आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो भाई का डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा लिंक दिया हुआ है चैनल का, जाके विजिट करो। देखो मैं ट्रैवल करता हूँ दूर दूर जगह और एक्सप्लोर करता हूँ हिडन प्लेस ऑफ झारसुगड़ा का, बहुत ही जगह का, तो प्लीज़ जाओ और देखो। तो अजमाल बेसिकली मतलब झारसुगड़ा ब्रजराज नगर एरिया का मतलब एक राइडर बोलना चाहिए, राइड करते हैं लोग, नए नए जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोग जाइए इसके चैनल पे, देखिए इसका वीडियो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोगों ने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है उस तरफ, वहाँ पर आगे चलते हैं। वहाँ पॉइंट पे आपको जाके मैं इस एरिया का, ये जो एरिया है, इस एरिया का एक छोटा सा हाईलाइट दिखाता हूँ। चलिए ये दोस्त। तो गाइस अभी 2:30 बज चुका है और हम लोग घर से निकले थे 12 बजे करीब। रास्ता इतना बड़ा नहीं है, 40 मिनट का रास्ता है, 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन अब घूमने के नाम से निकले थे तो सारे मौसम का, रास्तों का मज़ा लेते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लेट हो गए हैं थोड़ा सा। अभी पॉइंट पे चलते हैं, मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ इस जगह के बारे में एक छोटा सा डिटेल्स। तो चलिए ये है वो पॉइंट जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, और यहाँ से आप को दिखाते हैं इस जगह का थोड़ा सा हाईलाइट। गाइस, तो अभी थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं, ये जो पीछे गाड़ी आ रहा है इसके जाने के बाद। हाँ, तो ये जो वाटर आप देख रहे हो, ये जो पानी स्टोर है यहाँ पर, ये हीराकुंड डैम का स्टोर वाटर, जब 1947 में हीराकुंड नहीं बना था तो उससे पहले यहाँ पर ना गांव हुआ करते थे, बहुत सारे गांव थे। और उसके बाद जब हीराकुद कंप्लीट हुआ 1957 में, तो उसके बाद जो उस तरफ की नदियों का पानी आके यहाँ पर स्टोर होने लगा, तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे गांव यहाँ पर डूब गए। मतलब आप सोच रहे हो यहाँ पर कई सारे गांव डूबे हुए हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, मतलब 55 किलोमीटर × 25 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है ये प्लेस। तो वही कारण है कि आसमान और नदी एक जैसे, मतलब मिलके एक जैसे दिख जाते हैं। तो ये गाड़ी वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो खैर, ये थी यहाँ की एक छोटी सी हिस्ट्री। तो आप, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसे सिटी में रहता हूँ जहाँ पर मतलब इतनी सारी खूबसूरतियों से भरा हुआ चीज़ है। मतलब ये राइट डाइक हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, घंटेश्वरी, बहुत सारे चीज़ हैं यार, मतलब बहुत सारे चीज़ हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा चिल विल मारते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ से निकलने का प्रबंध करते हैं। तब तक के लिए क्या, इन गाड़ियों का आवाज़ सुनो।
गाइस हम लोग का चिल आउट ख़त्म हो गया, जितना घूमना था घूमे, चिल आउट करना था करे, बहुत ही अच्छा फील हुआ। बहुत दिनों के बाद निकला घर से बाहर, मतलब खुशी आ रही है भाई, खुशी आ रही है मन में, बहुत खुशी आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू इसका जो आएगा वो लेफ्ट डाइक के ऊपर होगा, तो लेफ्ट डाइक इससे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे मौसम में आऊँ ताकि उसे और अच्छे से आप लोगों को दिखा सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। महरूम हूँ आज मैं उस घर की चारपाई से, दूर हूँ वो दिन रात के मोबाइल और उन गेम्स से, बेफिक्र हूँ इन कुदरत की बहती हवाओं में, आजाद हूँ मैं इस वायरस के डर से। Thank you.